नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमारा टास्क है कि हमें एक पावर स्लाइडर क्रिएट करना होगा, ठीक है, यहाँ साइड पर, और पावर स्लाइडर की वैल्यू को चेंज करते हुए हमें फोर्स की वैल्यू को उसमें स्टोर करना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम पावर की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो करंट वैल्यू होगी पावर जब हम चेंज कर रहे होंगे तो वो वैल्यू स्टोर होती जाएगी फोर्स की, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो ये जो स्टिक है हमारी ये बैकवर्ड मूव करेगी, ठीक है, जब हम पावर चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, स्लाइडर से। और जब स्लाइडर को रिलीज कर देंगे तो वो जो करंट वैल्यू थी वो सेव हो जाएगी फोर्स की, ठीक है, हिट फोर्स की जो वैल्यू थी वो स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, और हमारी ये जो स्टिक है उसी फोर्स से इस क्यू बॉल को हिट करेगी, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड करनी है अपनी गेम को। तो सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, हमें एक स्लाइडर चाहिए, ठीक है, एक पावर स्लाइडर चाहिए। तो इसके लिए अब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं यूआई एलिमेंट्स का। यूनिटी के अंदर यूआई एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जो हमारी स्क्रीन पर एज इट इज़ नज़र आएंगे, वर्ल्ड स्पेस में नहीं वो लाए करते होंगे, ठीक है, वो कैनवस के अंदर होंगे। अब हम देखते हैं राइट क्लिक यूआई, ठीक है, देखें यहाँ पर लास्ट में हमारे पास यूआई का सेक्शन है। तो यूआई सेक्शन में देखें हमारे पास स्लाइडर है, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर एक स्लाइडर हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करेंगे। अब देखें क्या क्या हमारे पास चीज़ें ऐड हुई हैं, हमारे पास एक इवेंट सिस्टम ऐड हुआ है, और हमारे पास एक कैनवस ऐड हुआ है, और उसके साथ हमारे पास एक स्लाइडर ऐड हुआ है। स्लाइडर देखें बिल्कुल हमारे बॉटम में यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें कैनवस का क्या काम है, कैनवस हमारा ये जो रेजोल्यूशन है हमारी स्क्रीन की, ठीक है, इस रेजोल्यूशन का एक ऑब्जेक्ट होता है कैनवस। सेम हमारे कैमरे की तरह काम करता है, जो हमारा कैनवस है ये हमारे कैमरा के ऊपर यूआई एलिमेंट्स पर शो करवाता है, ठीक है। अगर हम कैनवस डिलीट कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर नहीं शो होगा, कैनवस ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनको शो करवाने का। उसके बाद है हमारे पास स्लाइडर इटसेल्फ जो हम भी हमने क्रिएट किया, और लास्ट में देखें हमारे पास इवेंट सिस्टम ऐड हुआ, ठीक है। इवेंट सिस्टम क्या होता है, ये इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए यूज होता है हमारे पास, ये इवेंट्स को लिसन करता है और उनको यहाँ पर ट्रिगर करता है। जैसे कि इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। अभी अगर मैं गेम प्ले करूँ तो हम अपने स्लाइडर को मूव कर सकते हैं, और जब वो स्लाइडर को मूव करेंगे तो इसके कलर्स भी कुछ चेंज होंगे, ठीक है, डार्कनेस इसमें आ जाएगी। तो उसको डील करता है सारा इवेंट सिस्टम जो हमारे पास शो होता है, ठीक है, आउटपुट। तो अभी के लिए अगर हम सीन व्यू में जाएं और अपने कैनवस को देखना चाहें तो देखें कैनवस हमारा कहाँ है, यहाँ हमारा कैनवस है, देखें कितना बड़ा कैनवस है हमारे पास। ये हमारे पास छोटा सा देखें हमारा जो पूरा सेटअप है वो कितना छोटा लग रहा है हमारे कैनवस के हिसाब से, ठीक है। तो कैनवस इस तरह से लार्ज साइज में ही होगा, और इसकी हमारे पास कुछ सेटिंग्स होंगी तो वो सेटिंग्स हमें करनी होगी, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो कैनवस हमारा कितना बड़ा एक गेम हो सकता है। तो अभी के लिए हम सेटिंग्स करते हैं, सेटिंग्स क्या कर सकते हैं, कैनवस को सिलेक्ट करेंगे तो देखें इसको कैनवस क्या चीज़ बनाती है, ये कैनवस कंपोनेंट, ठीक है, और इसके अलावा कैनवस स्केलर। कैनवस स्केलर के अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इसका हमारे पास कॉन्स्टेंट पिक्सल साइज है, इसको हम चेंज कर सकते हैं स्केल विद द स्क्रीन साइज। अब क्या होगा, हमारे यूआई एलिमेंट्स हमेशा एक ही साइज के रहेंगे जो स्क्रीन का साइज हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको वैल्यू से 1920x1080, ठीक है, जो एच डी वैल्यूज होती हैं। और इसके अलावा यहाँ से हम इसको एक्सपैंड भी रख सकते हैं, या इसको मैच विद द हाई हाइट रख सकते हैं। अभी भी के लिए मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ देखें यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस में भी हम इसको कैनवस को लाई कर सकते हैं, या कैमरा के अंदर भी लाई कर सकते हैं। अगर कैमरा के अंदर लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कैमरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर देना होगा, ठीक है। इन सारे सेटिंग्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हमारा टास्क है एक बेसिक सा यूआई क्रिएट करना जो कि स्लाइडर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्लाइडर को नेविगेट कर लेते हैं। देखें ये स्लाइडर है, और अगर मैं यहाँ 2D पर क्लिक करूँ तो देखें मेरा व्यू जो है वो 2D चेंज हो गया, ठीक है। अब देखें स्लाइडर हमारे पास इतना सा स्लाइडर है, लेकिन इस स्लाइडर को हमने चेंज करना है। और अगर मैं देखें यहाँ से ये रेक्ट ट्रांसफॉर्म टूल जो है मेरा सिलेक्टेड है, अगर मैं इससे चेंज करता हूँ तो देखें इसकी वैल्यू ठीक से चेंज नहीं होगी, ठीक है, यहाँ से देखें स्ट्रेच तो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसका स्केल चेन ब्रेक करते हैं और यहाँ से इसका स्केल ही बढ़ाते हैं, ओके, और इसको जेड एक्सिस पर 90° रोटेट करेंगे, या इसको -90° रोटेट करेंगे। साथ इसकी पोजिशन इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर जो है वो आ चुका है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, 5, दैट्स इट। ये हमारे पास स्लाइडर यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊं तो हम प्ले करते हैं, अगर देखें जब मैं स्लाइडर की वैल्यू चेंज करूंगा तो उसके ऊपर कुछ इवेंट्स हैपन होते हैं, ओके। तो देखें गेम स्टार्ट हो गई है, और अगर मैं अपना माउस देखें इसके ऊपर
लेकर जाता हूँ अपने स्लाइडर के ऊपर, तो आप देखें स्लाइड सा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, स्लाइटली कलर चेंज हो रहा है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखें हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। और ये जो एक्चुअली मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखेंगे माउस की भी इनपुट ले रहा है। हम आगे जाके इसको फिक्स करेंगे कि जब हम स्लाइडर को चेंज करें तो यहाँ से हमारे पास माउस की इनपुट ना जाए, ठीक है। वैसे आप देखें स्लाइडर का जो कलर चेंज हो रहा है वो इस इवेंट सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको पॉज करूँ यहाँ से स्टॉप करूँगा तो हमारा स्लाइडर वापस से रीसेट हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्क्रिप्टिंग की तरफ, तो सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हम क्रिएट कर सकते हैं फोर्स के लिए हम कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हिट फोर्स और इसकी हम वैल्यू भी असाइन कर देंगे। और इसके साथ हमें नेक्स्ट चाहिए स्लाइडर हिट, ठीक है। अभी दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए, ये बेसिकली अमाउंट है, तो हम इसको अमाउंट से स्पेसिफाई, ओके। अब हमें मेथड चाहिए कुछ, तो मैं सबसे नीचे यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमारा पब्लिक मेथड होगा, ठीक है। बल्कि अभी अगर इसको हम पब्लिक नहीं रखते तो हम चेक करते हैं, void on slider value new, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्लाइडर हिट फोर्स की वैल्यू सेट करनी है किसके अकॉर्डिंग, हिट फोर्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय स्लाइडर डॉट, ओके। तो यहाँ पर देखें हमें स्लाइडर का रेफरेंस देना होगा जो हमने यहाँ क्रिएट किया है, तो इस स्लाइडर को हम गेट कर लेंगे। तो इसके लिए भी हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्लाइडर टाइप का वेरिएबल फोर्स स्लाइडर, ओके, फोर्स स्लाइडर। तो यहाँ पर हम फोर्स स्लाइडर डॉट वैल्यू, अब ये वैल्यू कौन सी होगी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें ये स्लाइडर है, इसको स्लाइडर क्या चीज़ बनाती है, ये स्लाइडर कंपोनेंट, ठीक है। ये स्लाइडर कंपोनेंट इस पर अटैच है और इसके अंदर देखें हमारे पास एक वैल्यू का यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। ये वैल्यू होगी बेसिकली जो हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज होती है जब इसको हम क्लिक करके चेंज करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी हिट फोर्स अमाउंट से। ये हिट फोर्स जो अमाउंट है इसको हम खुद से सेट करेंगे, ये कुछ भी हो सकती है 5, 10, 20, 30। और जो एक्चुअल स्लाइडर फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होगी जितने भी अमाउंट हम इस क्यू बॉल पर ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी स्लाइडर वैल्यू से, तो इस तरह से इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, हम जितनी स्लाइडर की वैल्यू यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ी होगी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी, और अगर ये ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू भी ओवरऑल ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हम कुछ डीबगिंग कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ, डीबग डॉट लॉग। और अगर मैं यहाँ से स्लाइडर हिट फोर्स, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ से तो वो हमारी दूसरी स्क्रिप्ट में था, ठीक है, जो हमने डिलीट कर दिया, तो अभी के लिए हम इसको चेक करते हैं। तो कंसोल हम प्ले करते हैं, बट प्ले करने से पहले यहाँ पर हम एक चीज़ सेट करना भूल गए। देखें हमें यहाँ से ऑन वैल्यू चेंज ये एक इसकी फील्ड है, और ऑन वैल्यू चेंज के अंदर हम कोई भी मेथड असाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर कोई मेथड है जो हम असाइन करना चाहते हैं अपने स्लाइडर को, कि जब हम इसकी वैल्यू चेंज करें तो हर फ्रेम पर, ठीक है, इमिडिएटली ये मेथड जो है एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर ऑन वैल्यू चेंज है, ये हमारे पास एक फील्ड जो है गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर रन टाइम पर सिलेक्टेड है, ठीक है। रन टाइम अगर करते हैं तो रियल वैल्यू इसकी चेंज होती है, ठीक है, रन टाइम में। और देखें यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर स्क्रिप्ट मांग रहा है, ठीक है, यहाँ स्क्रिप्ट मांग रहा है और यहाँ फंक्शन मांग रहा है। तो जो स्क्रिप्ट हमारी है, कौन सी स्क्रिप्ट है, क्यूस्टिक पीवर्ड, इसके ऊपर स्क्रिप्ट अटैच है, तो हम इसको इस फील्ड के अंदर दे देते हैं, ठीक है। अब देखें इसने ऑब्जेक्ट भी ले लिया, और अब हम फंक्शन से असाइन कर देते हैं हमारी स्क्रिप्ट का क्या नेम है, हमारी स्क्रिप्ट का नेम है क्यूस्टिक कंट्रोलर। और इसके अंदर जो मेथड है वो हमारे पास, देखिए मेथड यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि ये पब्लिक मेथड है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको
पब्लिक नहीं रखा, तो अभी हम क्या करते हैं इसको पब्लिक रख के सेव करके देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास एक क्यू स्टेट कंट्रोल है, और देखें यहाँ पर हमारे पास मेथड शो हो रहा है ऑन स्लाइडर वैल्यू चेंज, ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट किया। देखें मेथड भी असाइन हो गया। ये एक तरीका कार है मेथड्स को कॉल करने का, ठीक है, ये डिफरेंट तरीका कार है। यूआई एलिमेंट्स के थ्रू हम मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। अब ये हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होगा जिस स्पेसिफिक फ्रेम पर वैल्यू चेंज कर रहे होंगे हम, ठीक है। मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ, हमने डीबगिंग किया यहाँ पर, तो इस डीबगिंग के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। ओके, तो अब हम प्ले करते हैं। ओके, हमारे पास कुछ एरर्स, ठीक है, ये एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने स्लाइडर कंपोनेंट यहाँ पर अटैच ही नहीं किया, ठीक है, स्लाइडर ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्क्रिप्ट में असाइन ही नहीं किया, ये हमें पब्लिक स्लाइडर करना होगा। ओके, तो यहाँ हमें ये स्लाइडर अटैच करना होगा, और अब हम प्ले करते हैं। ओके, तो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, तो देखें जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर प्रिंट होती जा रही है। अब देखें ये हमेशा जीरो ही क्यों रह रही है, लेकिन अगर आप चेक करें तो हमारी वैल्यू जो है वो हर फ्रेम पर चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है कह रहा हूँ, हमारी वैल्यू जो है प्रिंट हो रही है वहाँ पर, ठीक है, हर फ्रेम पर प्रिंट हो रही है जैसे जैसे हम ये चेंज करते जा रहे हैं। अभी हमेशा जीरो क्यों रह रही है, ये जीरो इसलिए रह रही है क्योंकि जो हमारी फोर्स है, हिट फोर्स कहाँ गई, ये हिट फोर्स यही हमेशा जीरो है, ठीक है। तो हम इसको कुछ वैल्यू साइन कर देते हैं, जैसे इसको 5 वैल्यू साइन कर देते हैं, और अब हम इसको सेव करके चलते हैं। ओके, तो मैं अगर इसको चेंज करूँ वैल्यू को, तो देखें इमीडिएटली हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है, और देखें ये सब डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिक्रीज करता हूँ तो वैल्यू डिक्रीज होती है, जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करता हूँ देखें वैल्यू हमारे पास अब कितनी ज़्यादा आ रही है, 4.0, ठीक है, 3.9 इस तरह से। देखें मैं डिक्रीज कर दूंगा तो देखें हमारे पास 0.5 वैल्यू आ गई। ओके, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हम कितना स्लाइडर को मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप देखें टोटल 5 हो गई है, और अगर मैं इसको 0 करूँ तो देखें यहाँ पर ये 0 हो गई, ठीक है, बिल्कुल कितने इसको 4 हो गई। तो ये था हमारे पास स्लाइडर का काम, ठीक है। इस तरह से देखें हम फोर्स की वैल्यू जो है उसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैल्यूज हैं, जिस तरह से चेंज हो रही थी, और जैसे जैसे ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको भी मूव करना चाहिए हमारी स्टिक को, ठीक है। तो हम इसको भी मूव करेंगे, और जब हम इसको रिलीज कर देंगे हमारे स्लाइडर को, तो ऑटोमेटिक ये फोर्स जो है ये इस पर ऐड कर देगा। ओके, तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, यहाँ से 2D व्यू से वापस आते हैं और अपनी स्टिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जो हमारी स्टिक है हमारी जो ये स्टिक है, हम इसकी कुछ वैल्यू जो है उसको असाइन करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू ओके ये फाइन है, ठीक है, यानी कि हमने इसको यहाँ पर रखना है इसकी फाइनल पोजीशन पर, एक्चुअली इसकी स्टार्ट पोजीशन है। इसके साथ अगर हम इसको भी डिक्रीज करें तो इससे हो क्या रहा है। ओके, ये आगे की वाली चीज है, ठीक है, 0.8। तो अब हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमें 3-4 वेरिएबल्स क्रिएट करना है, ठीक है, वेक्टर 3 टाइप के वेरिएबल ही क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से उसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और स्टिक और ओरिजिनल और उसके अलावा स्टिक पुल बैक, और अब हम करते हैं स्टिक पार टू। आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टिक ओके। तो ये हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, अब हम चलते हैं इंस्पेक्टर में।
और यहाँ से इसकी वैल्यू को असाइन कर दो। ये हमने पब्लिक नहीं रखी है, पब्लिक रखी है। ओके, तो यहाँ आ गया हमारा स्लाइडर और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर स्टिक ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन क्या है हमारी स्टिक की? ठीक है, विंडो वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टिक पुल बैक पोजीशन, ये जो हमारे पास पुल बैक पोजीशन है इसको हम बाद में सेट करेंगे, इसको अभी नहीं सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास हिट पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारी क्यू बॉल को हिट करेगी तो हम इस पोजीशन पर इसको हिट कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से इसके अंदर मूव कर रहा है, यहाँ से ये पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन ये इतना चलेगा जब ये हमारी गेम जो है रन करेगी तो इस ये बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा इसका। ठीक है, तो उस वजह से हम ये इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद हमने स्टिक पार पोजीशन डिफाइन करनी है। पार पोजीशन कौन कौन सी होगी? जब हमारी स्टिक इसको पुल कर देगी, इसको पुश कर देगी, तो ये इटसेल्फ बाहर की साइड पे मूव कर देगी, यानी कि काफ़ी दूर मूव कर देगी। तो हम इसको अगर -10 कर दें और इसको 3 कर दें, या इसको 2.5 कर दें। ठीक है, तो ये भी सही है, -2.5 और -3। पार्ट पोजिशन कौन सी है? 2.5 -10। हमने पुल पोजिशन में गलती से हेड पोजिशन सेट कर दी। ओके, कंट्रोल एस। और यहाँ पर जो हमारे पास पुल बैक पोजिशन है, यह स्टिक पुल बैक पोजिशन, इसको हम यहाँ पर नहीं करते, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पब्लिक नहीं चाहिए, पब्लिक सिर्फ हमें चीनी चाहिए। ओके, सबसे पहले तो हम इस डीबग को ख़त्म कर देते हैं और एक मेथड क्रिएट करते हैं जो हमारी स्टिक को बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वॉइड पुल बैक स्टिक, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट स्लाइडर हिट पोज। इस स्लाइडर हिट पोज को हम रीनेम करते हैं, ये एस मॉल लिखते हैं। ठीक है, स्लाइडर हिट फोर्स इज ग्रेटर देन 0। अगर स्लाइडर हिट फोर्स ग्रेटर देन 0 होगी तभी हमारे पास क्या होगा, स्टिक हमारे पास स्टिक ट्रांसफॉर्म था ना, अभी हमने स्टिक ट्रांसफॉर्म वेरिएबल जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टिक ट्रांसफॉर्म, ठीक है, स्टिक ट्रांसफॉर्म एक वेरिएबल जो है इसको क्रिएट कर लेते हैं, और अब हमें इसको गेट भी करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको गेट करने के लिए देखें, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि एक तो ये मेथड है ना कि हमारे पास क्यू क्यू स्टिक पी वन, ये और गेम ऑब्जेक्ट गेट हो गया। ठीक है, इसका कंपोनेंट गेट हो गया, लेकिन अब जो हमारे पास स्टिक ट्रांसफॉर्म है वो भी इसी के चाइल्ड में है। ठीक है, इसके चिल्ड्रन में है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है इसका, तो उसको हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड है, देखें। क्या हमारे पास स्टिक ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू किसके चिल्ड्रन में है हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्यू स्टिक पीवर्ड। ठीक है, क्यू स्टिक पीवर्ड डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड, और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस के अंदर चाइल्ड का ऑर्डर देना है कि हमारे पास कौन सा चाइल्ड है वो। ठीक है, अभी इस केस में हमारे पास 0 चाइल्ड है, यानी कि उसका नंबर जो है 0 है। अगर हम अपने स्क्रिप्ट में देखें, अगर हम अपने यहाँ देखें क्या कहते हैं उसको हायरार्की में, तो हमारे पास देखें क्यू स्टिक जो है, क्यू स्टिक पीवट और
इसका जो फर्स्ट गेम ऑब्जेक्ट है उसका नंबर 0 होता है, ठीक है, हमेशा। तो इस तरह से यहाँ पर 0 से इसने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। हम इसको एक और तरीका कार्ड से भी गेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेथड, वैसे ये तो मेथड 100% काम करता है, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो कभी कभी हमारे पास ग्लिच कर देता है, तो इस तरह से या सही से काम नहीं करता। तो इस तरह से देखें क्या है हमारे पास, डॉट गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है, गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, ओके। तो ये जो है ये देखें ये मेथड भी हमारे पास काम कर जाता है, क्योंकि हमारे पास क्यू स्टिक पिवट डॉट इसके गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है, कंपोनेंट गेट करेगा वो चिल्ड्रन में ट्रांसफॉर्म। लेकिन कभी कभी ये इस वजह से काम नहीं करता क्योंकि जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है, और जो हमारा चाइल्ड है उसके ऊपर भी ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है, तो कभी कभी हमारे पास ये पेरेंट का ही कंपोनेंट एज अ चाइल्ड गेट कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से अभी के लिए आप दोनों में से किसी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए वर्क करें, बट अभी के लिए हम ये मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्म की तरफ चलते हैं, ठीक है, ठीक, ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू सॉरी ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजिशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा चाइल्ड के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से हम लोकल पोजिशन जो है उसको ले रहे हैं, ठीक है। लोकल पोजिशन मूव करना है हमने इसको, तो हमने मूव के लिए डिस्कशन की थी कि हम डॉट वेक्टर टू डॉट मूव टू वर्ड्स, वेक्टर थ्री डॉट मूव टू वर्ड्स, और अब हमें स्टार्ट पोजिशन चाहिए। स्टार्ट पोजिशन कौन सी होगी, ठीक, ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजिशन, और जो हमारी फाइनल पोजिशन होगी वो कौन सी, पुल बैक पोजिशन, ठीक है, पुल बैक स्टिक, ठीक, पुल बैक, ओके। और लास्ट में हमारे पास टाइम डॉट डेल्टा था, लेकिन अभी तक हमने स्टिक पुल बैक पोजिशन को सेट नहीं किया, तो अब हम क्या करते हैं उसको भी सेट कर लेते हैं, और स्टिक पुल बैक इक्वल्स टू स्टिक ट्रांसफॉर्म डॉट बल्कि स्टिक ओरिजिनल पोजिशन लेते हैं, स्टिक ओरिजिनल पोजिशन माइनस करेंगे हम उसकी करंट पोजिशन से, ठीक है, स्टिक ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजिशन, ठीक है, लोकल पोजिशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर थ्री डॉट अप, ठीक है, क्योंकि वेक्टर थ्री डॉट अप से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको मूव जो करना है, बट एक सेकेंड देखें, हमें वेक्टर थ्री अप नहीं चाहिए, हमें फॉरवर्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फॉरवर्ड एक्सेस पे मूव करना है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि जो जेड एक्सेस होता है पॉजिटिव जेड एक्सेस वो फॉरवर्ड एक्सेस होता है, ठीक है, और इस केस में जो हमारा फॉरवर्ड एक्सेस है वो देखें ये फॉरवर्ड एक्सेस है, तो हमें इस एक्सेस पर इसको मूव करना है, तो ऑब्वियसली हमें फॉरवर्ड वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना होगा। और अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवाना होगा किसके साथ, स्लाइडर फोर्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हिट फोर्स अमाउंट, बट अभी यहाँ पर हमारे पास एरर है, एक्चुअली यहाँ पोजीशन नहीं है, यहाँ पर रोटेशन है। अच्छा, रोटेशन किस लिए है, रोटेशन इसलिए है कि देखें हमारे पास अगर मैं पेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो उसको इसके ऊपर ऑलरेडी 90 डिग्री की जो रोटेशन है वो अप्लाइड है, और अगर इस पर 90 डिग्री की रोटेशन अप्लाइड है तो जो हमारे पास स्टिक का फॉरवर्ड एक्सिस है वो उसका फॉरवर्ड एक्सिस नहीं रहेगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टिक ट्रांसफॉर्म की जो लोकल रोटेशन है उसको अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे फॉरवर्ड एक्सिस से, तो फिर इसका एग्जैक्ट फॉरवर्ड एक्सिस है वो हमारे पास यहाँ पर गेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री इसके ऊपर रोटेशन अप्लाइड है, अगर मैं इसको 90 डिग्री के अलावा 0 रखता हूँ तो हमारे पास अगर हम ये मल्टीप्लाई ना करवाएं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अभी केस में हमारे पास इसमें 90 डिग्री रोटेशन अप्लाइड है, तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इसकी रोटेशन लोकल रोटेशन से मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा तो फॉरवर्ड एक्सिस कौन सा सिलेक्ट कर लेगा, ये इसका एक्स एक्सिस फॉरवर्ड एक्सिस सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, और ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा,
इस तरह से मूव नहीं करेगा, ठीक है, करेगा लोकल एक्सिस पर ही, लेकिन एक्सिस गलत ये हमारे पास सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से हमें लोकल रोटेशन से वेक्टर थ्री डॉट फॉरवर्ड को मल्टीप्लाई करवाना है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू को डिपेंडेंट बनाने के लिए किसके ऊपर, स्लाइडर फोर्स के ऊपर, हमने स्लाइडर फोर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, हिट फोर्स से, जो एक्चुअल हमारी हिट फोर्स होगी, और उसको मल्टीप्लाई करवा, ओके। और इसके अलावा हम एक एल्स कंडीशन भी ऐड करते हैं। एल्स कंडीशन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखें अगर प्लेयर जो है वो स्लाइडर की वैल्यू चेंज करेगा और उसको चेंज करने के बाद वापस से ज़ीरो कर देगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास ना ये स्टिक की ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होगी फिर से, और ना उसके ऊपर बॉल के ऊपर हमारे फोर्स ऐड होगी। तो इस तरह से उस कंडीशन में हमें क्या करना है, स्टिक ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजिशन इक्वल्स टू वेक्टर थ्री डॉट मूव टूवर्ड्स, और यहाँ पर कब कहाँ मूव करेगा वो, स्टिक ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजिशन यहाँ से स्टार्ट करेगा और स्टिक ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर चला जाएगा, और इसके अलावा टाइम डॉट डेल्टा टाइम से हम मल्टीप्लाई करवा दें, ओके दैट्स इट। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से ये दोनों कोड बन चुके हैं, ओके। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको स्पीड इसकी कंट्रोल करने के लिए टाइम डॉट डेल्टा टाइम को एक और वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टिक हिट हिट स्पीड, ये वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं, पर अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, यहीं पर क्रिएट कर लेते हैं स्टिक हिट स्पीड, और इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं इक्वल टू 5000, ठीक है, सेट। और अब इस मेथड को हम कंटिन्यूसली कॉल कराएंगे किसके अंदर, इस वाले मेथड के अंदर, ठीक है, इस मेथड के अंदर हम कंटिन्यूसली कॉल करवाएंगे, तो हमारे पास फोर्स जो है वो इस पर ऐड हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। और इसके साथ हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, किस लिए, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि हम स्लाइडर की वैल्यू चेंज कर रहे थे तो साथ साथ हमारी स्टिक भी रोटेट कर देगी, तो इसके लिए हम एक बुलियन क्रिएट कर लेते हैं, और ये बुलियन क्या काम करेगा, ये हमारे स्टिक को रोटेट करने से प्रिवेंट करेगा ड्यूरिंग स्लाइडर वैल्यू चेंजिंग, तो अलाउ स्टिक टू रोटेट, और अलाउ स्टिक टू रोटेट को हम देखें यहाँ पर चेक कर लेंगे, सॉरी अलाउ स्टिक टू रोटेट, तभी हमारे पास यहाँ स्टिक रोटेट होगी, और इसके अलावा यहाँ पर भी हम कर लेते हैं अलाउ स्टिक टू रोटेट, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू चेंज करने पर, बल्कि अभी इस कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अलाउ स्टिक टू रोटेट को इसी तरह से फॉल्स कर देते हैं, और अलाउ स्टिक टू रोटेट को स्टार्टिंग में हम यहाँ ट्रू कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको अलाउ स्टिक टू रोटेट को तब भी ट्रू करेंगे। देखें तो एक मरतबा हमारे पास ये मेथड कॉल होना शुरू हो गया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इमीडिएटली कॉल हो जाएगा उसके बाद जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो तब भी हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, और मेथड क्रिएट करने के बाद हम उसको भी अपने पावर स्लाइडर के ऊपर असाइन कर देंगे, तो जब भी हम पावर स्लाइडर रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ करने के बाद जो अलाउ स्टिक टू रोटेट है ये बूल भी है जो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या जो वैल्यूज हमने, यहाँ पर हम प्रिंट भी कर सकते हैं वैल्यूज, बल्कि प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमें रियल टाइम जो है उसका अपडेट दिखाएगा, ठीक है, तो सब कुछ साइन है, तो हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास चेंज होती है, नहीं हमारी स्टिक गायब है,
हमने पहले से उसको वहां पर छोड़ा हुआ है, तो हम इसको कंट्रोल भी करके वापस बुलाते हैं। तो अब हम करते हैं प्ले। ओके, तो अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। ओके, तो वो देखें जो हमारी स्टिक है वो मूव कर रही है, ठीक है। पर अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो फोर्स भी कुछ ऐड नहीं होती, और इस तरह से। ओके, अभी देखें ये यहाँ से इनपुट क्यों नहीं ले रहा, ये मूव क्यों नहीं कर रहा, रोटेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो ये वेरिएबल है ये अलाउ स्टिक टू रोटेट ये ऑफ है, ठीक है, फॉल्स है इस वजह से। बट हम इसको ट्रू करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हमने जो स्लाइडर से इनपुट लेना था वो देखें हमारे पास सक्सेसफुली गेट हो रहा है। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फोर्स एक्चुअली में ऐड करेंगे, और यहाँ एक और मेथड क्रिएट करेंगे। जब हम स्लाइडर बार जो है उसको रिलीज करेंगे तो हमारे पास फोर्स जो है ऐड होगी, स्टिक की भी कुछ मोशन होगी। तो हम देखते हैं वो किस तरह से करें।